हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 41, जहाँ पे हमसे पूछा गया है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमें बताई गई है इन अ सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक के एक सैंपल में जो कि कितनी है, 3.8 × 10⁻³ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि मोल्स पर लीटर। तो इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है पीएच। ठीक है, आप सभी जानते हैं पीएच क्या होता है। पीएच एक स्केल है, ठीक है, और ये जो स्केल है इसमें रीडिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम 0 to 14, जहां पे कि जो सेवेंथ रीडिंग होती है उसको हम कहते हैं एक न्यूट्रल सॉल्यूशन, और अगर 7 से कम हो तो उसको हम कहेंगे एसिडिक, और अगर 7 से ज्यादा हो तो हम उसको कहेंगे कि भाई बेसिक है हमारा सैंपल। तो इस 0 से लेके 14 तक की रीडिंग में हमें ये पता करना है कि इस वाले हमारे सोल्यूशन के लिए अगर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो, 3.8 × 10⁻³ मोलर, तो ऐसे में उसका पीएच कितना होगा। तो एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो पीएच क्या है, माइनस ऑफ लॉगरिथम ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी इन लोगों ने हमें एच प्लस आयन जो है वो गिवन दे रखा है, तो बस हमें क्या करना है कि जो लॉग है वो निकाल लेना है 3.8 × 10⁻³ के लिए। ठीक है, अब जो लॉग है ना वो आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक आता होगा, अगर आप में से किसी को दिक्कत होती है लॉग करने में तो फिर आप मुझे बता देना, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। वैसे मैं आपको सिंपली यहाँ पे बता देती हूँ, अगर लॉग आपका ए बी के लिए आप निकालते हो जो कि मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो आप उसको कैसे लिखते हो, लॉग ए प्लस लॉग बी, और उसके बाद में आप इंडिविजुअली इनको सॉल्व करते हो। तो ये हो गया लॉग 3.8 और ये हो गया माइनस, क्योंकि माइनस बाहर है ना इस वजह से। उसके बाद में ये हो गया आपका लॉग ऑफ 10⁻³। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको, ये हमने दो इसके फॉर्म्स जो है निकाल दी। अब लॉग जो है 3.8 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आप लोगों को ऑलरेडी आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपको लॉग निकालने में दिक्कत होती है तो आप उनसे पूछ सकते हो। अब इसी तरह से अगर आपको लॉग 10⁻³ को अगर सॉल्व करना है ना, तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला, एक लॉग का होता है जिसमें a⁻ b, अगर कोई इस तरह से फॉर्म में होता है तो जो b है वो तो आपका आ जाएगा आगे एंड लॉग a रह जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे ए और ये मतलब बेस भी अगर सेम हो और ये वैल्यू भी सेम हो, तो ऐसे में इसकी जो वैल्यू होती है ना वो इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर कुछ भी गिवन नहीं होता ना, तो इसका मतलब लॉग जो है वो विद बेस 10 है। तो यहाँ पे ये कैसे हो जाएगा, बस यहाँ पे बी की जगह पे आपको क्या पुट कर देना है, -3। तो ये हो गया -3 और ये हो गया लॉग ऑफ 10 विद द बेस 10 और ये हो गया 10। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो मेरी कितनी हो जाएगी, 1 के इक्वल। ठीक है, तो बस सिंपली आप लोगों का आंसर जो है वो आ चुका है। सो दिस इज वॉट, माइनस ऑफ 0.5798, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। अब 3 में से आप इसको माइनस कर लो, जब आप इसको माइनस करोगे ना तो यू विल गेट योर आंसर एज 2.4202, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 2.42 कह सकते हो। और क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई भी वैल्यू जो है वो 0 से लेके 7 के बीच में होगी तो आप उसको क्या कहोगे, एसिडिक कहोगे, और यहाँ पे जो मेरा पीएच आया है वो कितना आया है, 2.42, यानी कि अच्छा खासा एसिडिक मेरा सोल्यूशन है जिसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन हमें इतनी की बनती है। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपको आगे देखने को मिलेंगे। यहाँ से बेसिकली हम लोगों ने जो हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम है ना, अभी तक हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते थे, फिजिकल इक्विलिब्रियम स्पेशली, बट अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम यानी कि आयंस को स्टडी करने के, इक्विलिब्रियम में आयंस किस तरह से बिहेव करते हैं उसको स्टडी करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 41। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस 41 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 42 के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।